और यहाँ पे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे लगा काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं शूट करी है, तो मुझे ये शूट करनी चाहिए। तो बहुत लोगों का ये डाउट था मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्या हो गया ऐसा कुछ। तो हुआ कुछ नहीं है, बस ये था कि थोड़ा मैं अपनी चीज़ों में शेड्यूल्स में बिज़ी था और कोई ना, तो अभी वीडियो लेकर के आया। अभी फ़िलहाल हूँ थर्ड ईयर में और मैं आज पूरे दिन में क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम रेडी हो गए हैं कॉलेज के लिए और जैसा आप देख सकते हो, और अब हम निकलेंगे यहाँ से कॉलेज के लिए। फिर उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे कॉलेज, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। खैर, बने रहना ब्लॉग में, और ब्लॉग अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये मोटिवेशन है हमारे लिए। भाई तू है ब्रो, और यहाँ से रास्ता, यहाँ पे हमको ऑटो मिलेगा और यहाँ ऑटो पकड़ के हम लोग यहाँ से जाएंगे कॉलेज की ओर। बस मिल गए हमको सैफ भाई। अरे जल्दी हो भाई, इतने सालों बाद मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो यही सेम बना रहे, बाय बाय। लेकिन वापस आ गए हम लोग अपने कॉलेज में और ये हमारे कुछ मित्र बंधु आ गए स्कूटी से और चलते हम लोग यहाँ पे। ये हमारा कॉलेज रहा, ये हमारा मेरे गेट। आज हमारे कॉलेज में फाइनल मैच है और ये है 21 बैच की टीम और 19 बैच की टीम। रेड वाले जो है जो 19 बैच के हैं, वाइट कलर के ड्रेस में ये 21 बैच के हैं। बहुत बढ़िया शानदार टीम है दोनों, और आज पता चल जाएगा इनमें दोनों में कौन जीतेगा। तो एक हफ्ते से चल रहा था टूर्नामेंट और आज है जाकर के फाइनल 21 और 19 बैच के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 21 बैच क्या पारी चल रही है, बहुत ही शानदार टीम है दोनों। देखते हैं इस बॉल में क्या होता है। कॉलेज के बैच। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रसशाला में और यहाँ पे आज लॉ शो डन होना है, इसके लिए स्पार्क का एक प्रोजेक्ट है इनका। और शानदार पारी खेली आज 21 बैच ने और 268 रन का टारगेट दिया। अब देखते हैं हमारे सीनियर, हमारे बॉस क्या इस टारगेट को चेस कर पाते हैं या नहीं चेस कर पाते। पूरे दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार मैच रहा यहाँ पे 21 बैच और 19 बैच के बीच में। तो ये मैच 21 बैच जीत चुकी है और इसके बाद होने वाला है द टग ऑफ वॉर। वो
19 और 23 के बीच, देखते हैं अब उसमें कौन जीतता है, क्या यहाँ पे 19 बैच जीत पाएगा या नहीं। येलो और रेड टीम के बीच में मैच होने वाला है, हमारे सर और ये होगा टॉप। येलो वाली टीम है 23 बैच की और रेड वाली टीम है 19 बैच की, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक साइड का मैच जीत चुके हैं और दिस इज द सेकंड वन, बहुत ही शानदार मैच हो रहा है और तो यार आज का मैच कंप्लीटेड है और टग ऑफ वॉर में जीत गए हम 19 बैच वाले में बॉस, और फिर इसके बाद हम जाते हैं दिखाते हैं आपके इसके बाद क्या होता है और फोकस ऑन माय फिट है टूर्नामेंट का सेलिब्रेशन करने के लिए। एंड हो चुका वैसे टूर्नामेंट और 19 बैच के द्वारा होस्ट किया गया था, इसलिए आज जश्न मना रहे हैं सर फाकरे का। पूरे में बहुत ही जानदार सेलिब्रेशन होते हुए, ये देखिए ये क्वालिटी है भाई, बैच में क्वालिटी है और ये कॉलेज। आज के दिन में जो हमारा टूर्नामेंट था कंप्लीट हो गया और पूरा दिन का शेड्यूल मैंने आपको दिखाया कैसा क्या चला, और सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि आज था हमारे कॉलेज में जो टूर्नामेंट था वो तो सबसे आखिरी दिन था और फाइनल था, एक्चुअली फाइनल का जो मजे आ गए। 19 बैच हारी लेकिन उनमें एक बहुत खास चीज़ है देखने वाली, उन्होंने होस्ट किया उसके हिसाब से सम्मान किया, उन्होंने वैसे ही सेलिब्रेशन रखा। 21 बैच जीता लेकिन कोई बात नहीं, रोशन कर दिया, बस ये रहा मेरा दिन का। आप आगे का हम लोग जाते हैं और यहाँ से बताते हैं आगे चल के क्या होता है। 3-2-1 तो फाइनली अब मैं कॉलेज से जा रहा हूँ, जाते हैं अब घर की ओर। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, करीबन हो रहा है यहाँ पे समय 7 बजने को मेरे हिसाब से, ओके 7 बज रहा है, और चलते हैं देखते हैं अब आगे चल के जो भी चीज़ होगी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आने के बाद हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में जिसमें हम यहाँ पे अपना डिनर करेंगे, और ये डिनर हमारे बॉस डॉक्टर चिराग के द्वारा होगा। मैं दिखाता हूँ कौन है वो, ये इनके द्वारा दी गई आज पार्टी।
और ये हमारे बॉस, और ये मनु बॉस। अलग से क्यों इनका? अच्छा। महबूबा महबूबा हमारा डिनर हो चुका है और हम लोग यहाँ से अब जाएंगे अपने अपने घर की ओर, और आगे दिखाते हैं क्या होता है। ये सारे हमारे बॉस हैं और ये हमारे मित्र हैं, तो चलिए आगे दिखाते हैं। अरे कुछ ना, आज तो पूरे दिन का शेड्यूल दिखा रहा हूँ मैं। फिर तो हमारा अरे ना ना, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मिलते हैं फिर, बाय बाय। और यहाँ पे मजे उसमें उधर वाले उठा ले तो चार और जल्दी अबे दो चार ले ले बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये ट्रक रहा पीछे और लूट लिया सामान। ये जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। ये ज़्यादा हो चुका है जैसा आप देख सकते हो, 12 बज चुका है और कल से हमें फिर कॉलेज जाना है, वही सेम शेड्यूल रहेगा। और हाँ, कल टूर्नामेंट वगैरह नहीं रहेगा, बाकी आज का दिन इतना बेहतरीन रहा आपने देखा ही। और टूर्नामेंट की वजह से जो आज फाइनल मैच था उसमें तो आज चांद चार लगा दिए पूरे दिन में। खैर, इसी के साथ मैं व्लॉग को करता हूँ एंड, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।